ताज़ा तरीन खबरों के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर देखते हैं तो हमारे पेज को लाइक करें। नमस्कार, मैं हूं फिरोज हाशमी। दिल्ली पुलिस ने एक हफ्ते के अंदर 1320 करोड़ की हीरोइन पकड़ी है। एक बड़ा रैकेट का पर्दाफाश किया है। दिल्ली पुलिस की स्पेशल टीम सेल ने नवी मुंबई से 130 किलो हीरोइन जब्त किया है और इस सरगना के पीछे दो गिरोह को भी गिरफ्तार किया है जो इसकी तस्करी करते थे। हम आपको बता दें, हीरोइन एक नशीली पदार्थ है जो बड़ी मात्रा में बिकता है। नशे के जो आदि हैं वो इसको खरीदते हैं और इसको सेवन करते हैं। काफ़ी खौफनाक है ये नशीली दवा जो नवी मुंबई से 130 किलो हीरोइन जब्त किया है। एक बड़े अफगानी सिंडिकेट का पर्दाफाश किया है। अब तक कुल 9 लोग इस रैकेट में पकड़े गए हैं अलग अलग ठिकानों से, और जिनमें से 5 अफगानी नागरिक हैं। ये हीरोइन अफगानिस्तान से समुद्री रास्ते से आती थी और लाते थे ये लोग, और नवी मुंबई से तुलसी के बीच के बैग के अंदर 520 करोड़ की हीरोइन पकड़ी गई है। पिछले दिनों पकड़ी गई थी 200 किलो हीरोइन, वो भी अफगानिस्तान से लाया गया था। 19 जुलाई को 2 अफगानियों समेत 5 तस्करों की गिरफ्तारी के बाद जमिया नगर में एक कारखाने का पता चला था जहां बड़ी मात्रा में हीरोइन जब्त किया गया, और वहीं से पूरा राज खुला हीरोइन तस्करी का। एक के बाद एक आरोपी को गिरफ्तार करते गए। कुल 9 आरोपी अब तक गिरफ्तार किए गए हैं, जिनमें से 2 नवी मुंबई से गिरफ्तार किए गए हैं। टिफाले एक सरगना पहला वो आरोपी है जो बड़ी मात्रा में हीरोइन सप्लायर करता था और टिफाले ही पूरा नेटवर्क चलाता था। इसी तरह 23 जुलाई को सेल ने सोनीपत के कोंडली में एक कोल्ड स्टोरेज में किशमिश में छिपा कर रखी गई 50 किलो हीरोइन पकड़ी थी, और पकड़े गए तस्करों का आपस में तार जुड़े थे। और मुंबई के कस्टम अधिग्रहित एरिया के एक कार्गो से 260 से ज़्यादा बोरियां बरामद की है, और सबसे ऊपर साधारण बोरियां होती थी जबकि उसके नीचे वाली बोरी पर लिक्विड हीरोइन होती थी। कुल मिलाकर 1320 करोड़ की हीरोइन पकड़ी गई है। दिल्ली पुलिस ने एक बड़ा रैकेट का पर्दाफाश किया है और पकड़े गए आरोपी के तार एक के साथ एक जुड़े हुए थे। और इसी के साथ समाज राजनीति से जुड़ी हुई खबरों को देखने के लिए देखते रहे प्रहार टाइम्स।